चाहे एक जेन्युइन कंटेंट अगर आपको देखना है। दोस्तों जब हम लीगल तरीके से पैसे को एक कंट्री से अलग कंट्री में ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, और ये प्रॉब्लम कब आता है जब हमारे पास सेवरल टाइप ऑफ वेबसाइट होता है, सेवरल टाइप ऑफ ऑप्शन होता है, या हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। दो डिफरेंट पॉइंट्स हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इंडिया से बांग्लादेश पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी एक लीगल तरीके से, बहुत सारे टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, बट इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ और पूरा बताने वाला हूँ एक्चुअल में आप किस प्रकार से कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसमें से प्रॉब्लम नंबर वन अगर बताया जाए तो पैसा रिफ़ंड नहीं होता है, पैसा कट जाता है और चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेता है, अर्थात हिडन चार्जेस। साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट में भी बहुत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जब भी हम पैसे के मामले में किसी भी वेबसाइट में जाएं या कहीं पर भी हम संपर्क करें तो उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है बहुत बेहतर तरीके से, एंड एक रिसर्च बेस्ड जो है वेबसाइट देखने के बाद हमें वहाँ पर पैसा डालना होता है। दोस्तों जब मैं सर्च कर रहा था और ये प्रॉब्लम जब मेरे साथ हुआ था तब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वेबसाइट में मैंने ट्राई किया था, एंड बांग्लादेश का एक रिलेटिव मेरे यहाँ पर रहता है जिसके साथ मैंने बातचीत भी किया, वो ऑनलाइन में उतना अच्छा यूज़र्स नहीं है। उन्होंने एक ही बात कहा कि हम बांग्लादेश जाते हैं तो वहाँ पर अगर किसी का पैसा भेजना होता है तो वो मेरे थ्रू से भेजता है, या हम जब यहाँ से जाते हैं और किसी को बांग्लादेश में पैसा देना होता है तो मेरे थ्रू से जाता है। तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताना यही चाहता हूँ कि अगर आपके रिलेटिव हैं, अगर आप बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं या आप इंडिया से देख रहे हैं, अगर आपके बांग्लादेश में कोई रिलेटिव है तो उनसे आप बातचीत करिए। अगर कोई दोस्त है, अगर सोशल मीडिया में बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, बट हाँ किसको पैसा दे रहा है उसको वेरीफाई ज़रूर करें पैसा देने से पहले। अगर आप बांग्लादेश में रहते हैं तो इंडिया में किसी दोस्त को अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि इंडिया का कौन सा एक पर्सन या बांग्लादेश का कौन सा एक पर्सन जो बाहर आना जाना रहता है, जैसे बांग्लादेश से इंडिया आता है या इंडिया से कोई बांग्लादेश जाता है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देख लेना है। ये अगर कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाता है, अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको इसी प्रोसेस में जाना है, ये मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेटीएम एंड फ़ोनपे दोनों में ही जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अवेलेबल है, बट जब आप बांग्लादेश में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपका पैसा अटक जाने का संभावना सबसे ज़्यादा हो जाता है, वही होता है। जी हाँ, इसके लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप पेटीएम या फ़ोनपे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर बांग्लादेश का जो कंट्री है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप बांग्लादेश में पैसा पेटीएम एंड फ़ोनपे के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, ये स्वाभाविक सा है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि कौन से वे में पैसा ट्रांसफ़र करना आपके लिए सही होगा, सेफ होगा, लीगल होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वाइज यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है, बट मैं आपको बता दूँ कि एक दो दिन लग सकता है ट्रांसफ़र होने में। और ये भी बता दूँ कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जी हाँ, किसी भी वेबसाइट में चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन में चाहिए या किसी भी थ्रू में आप पैसा ट्रांसफ़र करिए, सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो वो बांग्लादेश कंट्री में ही होता है जब हम इंडिया से भेजते हैं या बांग्लादेश से कोई भेजता है। बट तो करे क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार वाइज यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वेस्टर्न यूनियन यूज़ कर सकते हैं जो दो परफेक्ट एंड बहुत अच्छा वेबसाइट है, साथ ही साथ आप रेमिटली यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको मैं बता दूंगा, एक चीज़ मैं आपको बताना पसंद करूंगा, जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऐसे ही वेबसाइट के थ्रू तो आपको ये समझ लेना है कि पैसा अटक सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप कॉन्टेक्ट आस में जाकर जो है हर एक वेबसाइट का ईमेल आईडी रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना है, रेफरेंस आईडी देना है कि कौन से आईडी के थ्रू या आईडी नंबर जो होता है ये पैसा भेजा गया है, तो वो चेक करने के बाद 48 आवर्स के अंदर वे रिफंड भी होता है। बट जब भी आप किसी में पैसा डालें, तो मैंने तो आपको चार वेबसाइट बताया, बट आप जब पैसा डालने जाएंगे एक बार वेरीफाई ज़रूर करें,
बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट में आप डालिए, अगर पैसा अटक जाता है तो वहाँ पर रिफंड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बट कोई भी थर्ड पार्टी इलीगल एजेंसी के साथ आप कॉन्टेक्ट मत करिए। फेसबुक में रहता है, व्हाट्सएप में रहता है, बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएगा जहां पर नंबर दिया रहता है और आपको बताया जाता है कि आप हमें 100 रुपीज़ दीजिए, मैं आपका 500 रुपीज़ बांग्लादेश में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ऐसा रहता है, यहां पर आपको थोड़ा सा समझदारी रखकर अवॉइड करना है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि क्या कर रहे हैं। और मैंने तो आपको हर एक ऑप्शन बताया, बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे में ज़रूर से कमेंट करिए। देखिए, एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे काम रहता है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको एडिटिंग करना पड़ता है। जी हाँ, ग्राफिक्स एडिटिंग होता है, ऑडियो एडिटिंग होता है, फिर अपलोडिंग का पार्ट होता है, बहुत सारे काम होता है। और इस काम को मैं करता हूँ एक मोटिवेशन के थ्रू। वो मोटिवेशन क्या है, जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे अंदर से मोटिवेट मिलता है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, एक अच्छा एंड वैल्यूएबल कंटेंट बनाऊं जिससे आपका टाइम सेव हो, आपका टाइम खर्च ना हो। तो उस चीज़ के लिए आप मोटिवेट मुझे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं एंड एक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको देखना है, एक जेन्युइन कंटेंट अगर आपको देखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर सकते हैं। चलिए, कुछ टाइम के लिए मैं आप सभी से अलविदा मांगता हूँ। मिलते हैं ठीक इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोच के साथ और एक नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।